सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल आज स्टॉक्स में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आज आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी खासी हुई होगी। अगर हम बात करें आज की मार्केट व्यू का कि बैंक निफ्टी ने आज किस तरीके से परफॉर्म किया, तो आपने देखा होगा कि आज बैंक निफ्टी के अंदर हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। बिल्कुल साइड में जरूर थी, लेकिन हमें अच्छा खासा मार्केट के अंदर मूवमेंट था, जिसकी वजह से लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर बैंक निफ्टी आज हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिला था, जो कि केवल और केवल फ्लैट ओपनिंग बोल सकते हैं, 70 से 80 पॉइंट का गैप अप था। और वहीं से लगातार यहाँ से मार्केट के अंदर हमें डाउन साइड के लिए फॉल देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी तेजी के साथ यहाँ पे फॉल होता है। और ये इस कैंडल की बात करें तो करीबन 40,796 से लेकर मार्केट के अंदर इस वाली कैंडल के अंदर करीबन 200 से भी ज़्यादा का हमें फॉल देखने को मिलता है इस वाली कैंडल के अंदर। तो लोगों ने अच्छा खासा यहाँ पे एंट्री लेकर इस कैंडल के अंदर ही प्रॉफिट बना लिया था। उसके बाद बात करें तो थोड़ा सा जरूर हमें यहाँ पे साइडवे मार्केट के अंदर टैपिंग हो रही थी बहुत साइड, लेकिन यहाँ पे आफ्टर काफ़ी अच्छा खासा सुपर ब्रेकआउट के बाद मार्केट के अंदर अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूवमेंट में देखने को मिला। फाइनली बैंक निफ्टी यहाँ पर रेजिस्टेंस पे आती है इस वाले रेजिस्टेंस पे, और वहाँ से फिर से थोड़ा सा नीचे की तरफ मूवमेंट करता है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो आज बहुत अच्छा खासा मूवमेंट था। अच्छा खासा मूवमेंट की वजह ये थी कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो मैंने आपको बताया था कि अच्छा खासा आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। और बात करें यहाँ से देख सकते हो कि जैसे 12 बजे के बाद ही आप देख सकते हो कितनी अच्छे खासा यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलता है मार्केट के अंदर। और यहाँ पे करीबन 10 बजे के बाद से थोड़ा सा साइडवे होता है, और 12 बजे के बाद से अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो सिर्फ और सिर्फ रीज़न यही था कि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, इसी वजह से मार्केट के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा था, तो अच्छा खासा लोगों ने मार्केट के अंदर ट्रेड करी और प्रॉफिट बनाया। तो अगर मैं बात करूँ कल के लिए हमारे कौन से होने वाले हैं लेवल्स और रेजिस्टेंस, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मार्केट ने अभी क्लोजिंग दी है करीबन 40,673 पे। तो यहाँ से मार्केट को मूव करने के लिए पहले तो अपना ये वाला रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि इसका ये वाला रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट ना देकर यहाँ से रिटर्न करी है। यहाँ पहली बार यहाँ पे कोशिश करी थी मार्केट ने, लेकिन रिटर्न हो गई थी, यहाँ पे फिर से दोबारा यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो फिर से अगर इस वाले वाले रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देता है 40,844 को, तो आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो आपको अगर हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे करीब पे 40,840 का रेजिस्टेंस ये वाला ब्रेक हुआ, तो आपको पहला लेवल देखने को मिल सकता है 40,950 का पहला लेवल, और दूसरा लेवल 41,050 का, और तीसरे लेवल की बात करें तो 41,200 का आपको तीसरा भी लेवल देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। अगर नहीं बात करें डाउन साइड के लिए, तो पहले बैंक निफ्टी को अपना ओवरऑल आज के लो को ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि बैंक निफ्टी का आज का लो तो यहाँ पे है करीबन 40,500 का। लेकिन अगर बैंक निफ्टी इस वाले लो को ब्रेक कर देती है 40,584 के लो को ही, तो आपको डाउन साइड के लिए फॉल देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल को मार्केट अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो आपको यहाँ पे पहला लेवल देखने को मिल सकता है हमारा 40,480 का पहला लेवल, और दूसरा आपको 40,400 का दूसरा लेवल, और तीसरे लेवल की बात करें तो 40,320 का आपको तीसरा भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो जिस तरह भी हमारा रेजिस्टेंस या फिर लेवल या फिर सपोर्ट ब्रेक होता है, तो आपको उसी तरफ मार्केट के अंदर मूव करना है, उसी तरफ प्रॉफिट बुक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो किस तरीके से साइड में मार्केट था, हमारा डाउन साइड के लिए हमारा ये सपोर्ट था, ब्रेकआउट मिला, हमारे दूर यहाँ पे टारगेट अचीव हुए, फिर ऊपर की तरफ मार्केट अंदर मूवमेंट हुआ, हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस वाला ब्रेकआउट देखने को मिला, और यहाँ पे अच्छा खासा हमारा लेवल अचीव हुआ। तो जिस तरफ भी हमारा रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट ब्रेक होता है, आपको मार्केट के अंदर उसी तरफ ट्रेड करना है, अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो मार्केट के अंदर होल्ड करके। आपको रेजिस्टेंस के बाद थोड़ा सा होल्ड करना है फर्स्ट टारगेट तक, आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। चलिए मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए।